अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रविवार 18 अगस्त को इंडिया डे परेड निकाली गई। इस परेड में 40 से ज्यादा झांकियां निकाली गई, जिनमें राम मंदिर की झांकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारतीय तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते और नाचते दिखे। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे, जिस पर यहां आए लोग खूब झूमते दिखाई दिए। परेड में आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी परेड में शिरकत की। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पंकज त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल भी पहुंचे। इस परेड में शामिल होने के साथ साथ सभी ने इस परेड के संबंध में बात भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के आमंत्रण पर आज मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ अत्यंत उत्साह और ओज दिखाई दे रहा है मुझे। लाखों भारतीय प्रवासी बंधु अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत की दिव्य संस्कृति, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी संवेदनाओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी झांकियाँ अत्यंत अद्भुत हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत आकर्षण है प्रभु श्री राम की झांकी का, राम मंदिर की झांकी का। और यह राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है, जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है, संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करती है। और यह हमारी संस्कृति ऐसा कहती है कि एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, कोई उससे भिन्न नहीं है। समानता का संदेश हम भारतीय देते हैं। पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हम भारतीय, सभी के कल्याण की कामना करने वाले हम भारतीय आज यहाँ इकट्ठे हैं, एकीकृत हैं। भारत के बाद सबसे बड़ा अगर कोई समुदाय प्रवासी भारतीयों का दिखाई देता है तो न्यूयॉर्क में। यह वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट और एक ऐसी परेड है जिसमें पूरे भारत के दर्शन होते हैं। आज यहाँ पे मैं अपने बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है, दर्दनाक है, जिसको देख के दुख होता है। और मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ पे कि बांग्लादेश में जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी से उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसको स्टॉप किया जाए। और मैं अपील करता हूँ यूनाइटेड नेशन से कि इस पे एक्शन लें जल्द से जल्द, क्योंकि हम हिंदू दुनिया में कहाँ से भी हैं, हम बहुत पीसफुल हैं। वी डोंट वांट अ फाइट, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। सो प्लीज़ हमें मजबूर मत किया जाए, हम पीसफुल लोग हैं। हमारे बांग्लादेश के जो हिंदू बहन भाई हैं उनके साथ ज्यादती बंद की जाए। इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी गैदरिंग हियर। In my experiences since 2008, since I've volunteered here, today is a special moment. We are proud to have a participation from our community, our very own Hindu community, as we have been from Muslim community, from Christian community, from the Jain community, from the Sikh community in the past. The special year for me is important because we're showing a replica of the Ram Mandir, which is going to march down Madison Avenue. It's a moment of pride to see the temple replica float down, to instill faith, to instill goodwill, harmony and peace for all. The entire Hindu community prays peacefully that may the problems we see in the world be taken away and be disappeared by Lord Rama's march of goodwill, positivity and happiness for all. Having said that, the preparations are in full swing. As you see, the NYPD and the mayor's office have supported us in terms of this parade for the last 20 years. 42nd year parade for New York City, the oldest and the largest India Day parade in anywhere in the United States. So happy to be a part of it, happy to be a part of the festivities and the preparations. We have endured for something as innocent as trying to display a miniature version of our faith very peacefully, happily, and as law-abiding citizens of this great nation. I urge everyone participating in the parade to be calm, peaceful, happy, positive, and abide by all laws of New York City
and let's have a great parade. Let's make our community proud. Let's make our homeland of the United States proud, and let's make our motherland of India proud. Happy Independence Day, happy 42nd annual India Day celebrations, and happy 68th Independence Anniversary. Thank you. God bless you. Bharat Mata Ki Jai. ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।